नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का सवाल है. क्वेश्चन सेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज, और हमें एम्पलीट्यूड दे रखा है ए. ऑप्शन है 0, 8, 2A और 4A. नाउ बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक्स अपने क्लियर होने चाहिए. इसका राइट आंसर होएगा 4A, बिकॉज कोई भी पार्टिकल, जब आपका पार्टिकल SHM कर रहा है तो ये मान लीजिए आपकी मीन पोजिशन है. इस मीन पोजिशन से वो पार्टिकल आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक गया, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस ए, और उसके बाद फिर यहाँ से माइनस ए तक की उसने दूरी तय की, उसके बाद फिर वापस मीन पोजिशन पे आ गया. सो डिस्टेंस ट्रेवल जो होएगा यहाँ पे 4A होएगा. बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 या फिर 2A मार्क कराए थे जल्दबाजी में. इसको हमें ध्यान से करना है. डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वापस आके आपकी फुल साइकिल में मीन पोजिशन पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल आपका 4A होएगा. यहाँ से A, फिर वापस 0, फिर माइनस A, फिर वापस 0, तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 4A किया, 0 या 2A नहीं. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर D, 4A वुड बी द राइट आंसर.